महोदय, भारत सरकार द्वारा पावर मिनिस्ट्री की 2000 जुलाई 21 के अंदर नई स्कीम लॉन्च करी गई, जिस स्कीम का नाम रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम आरडीएसएस स्कीम है, जिसका बजट का प्रावधान लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। इस स्कीम का मकसद यही था कि जो स्टेट्स के अंदर पावर सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, उसको भी पैसा खर्च किया जाए। सर, मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को भी इस स्कीम के तहत 8.5 हजार करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है, पर जुलाई 2021 की लॉन्च हुई स्कीम आज तक राजस्थान में पूर्णतः लागू नहीं हुई। और इसी स्कीम का एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी था कि इस स्कीम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी बनानी थी, जिसके अध्यक्ष एक सांसद होता है, वो आज तक उस कमेटी गठन नहीं किया गया। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र चूरू के अंदर पूरा एक जो बेल्ट है सरदार शहर सुजानगढ़ बिदासर रतनगढ़ का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुएं बहुत ज्यादा बन गए हैं, हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है सर कि इस स्कीम्स के लिए हमारे पास बैक एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 33 केवी के जीसेस चाहिए, 132 केवी के हमको पावर सबस्टेशन चाहिए, पर सरकार के पास में कोई नीति नहीं। हाल ही के अंदर लूनासर गांव सरदार शहर का है सर, 5 दिन तक वो गांव अंधेरे में रहा, क्योंकि सेक्टर पर रिफॉर्म पे काम नहीं हुआ और गवर्नमेंट अनेक कनेक्शन देती जा रही है। सर, ऐसा ही नहीं, हिंदुस्तान का मात्र एक स्टेट राजस्थान होगा जिस स्टेट के पास में अपनी ढानियों में बैठे हुए एक आखिरी व्यक्ति को देने के लिए कोई योजना नहीं, कोई रोशनी नहीं का कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अकेले में 18,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी के नए कनेक्शन की डिमांड है, स्टेट गवर्नमेंट सोई हुई है। सर, लास्ट में कहना चाहता हूं, इस इतनी महत्वपूर्ण योजना को लागू किया जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है, जो डीसी बनानी है, डीसी ही पे एक प्लान बनाएगी कि कहां कहां पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा खर्च करना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार को बाध्य किया जाए और 8.5 हजार करोड़ जो भारत सरकार ने दिए हैं, उसकी उनको आप उनका यूज कर सके, ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं।